फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स टू एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रिय मित्रों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। सो टुडे द लॉर्ड इज गोइंग टू स्पीक टू यू और आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। बिकॉज व्हेनेवर गॉड इज स्पीकिंग टू अस और जब कभी भी परमेश्वर हमसे बात करता है सो द गॉड्स वर्ड विल ब्रिंग द गॉड्स मिरेकल और परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवनों में चमत्कारों को लेके आता है। सो दिस टुडे द लॉर्ड वांट टू डू द मिरेकल्स इन योर लाइफ और आज परमेश्वर आप में से हर किसी के जीवन में वो चमत्कार करना चाहता है। So he is the miracle working God. और वो ऐसा परमेश्वर है जो चमत्कारी परमेश्वर है। So he is the way maker. और वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। So where there seems to be no way. और जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता। So the Lord is going to make a way for you. और परमेश्वर वहाँ पे आप लोगों के लिए रास्ता बनाएगा। So there is no one like him. और कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के जैसा हो। So he is so loving, so caring for you. और क्योंकि वो बहुत ही प्यार करने वाला और आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। So today the Lord want to reveal his glorious grace through the word of God. और आज परमेश्वर अपने एक अद्भुत अपने रूप को आपके ऊपर जाहिर करेगा अपने वचनों के द्वारा। So the word of God is going to perform the miracle in your life. और परमेश्वर का ही वचन आपके जीवनों में चमत्कारों को लेके आएगा। There is a great plan and purpose in every one of your life. आप में से हर किसी के लिए परमेश्वर के पास बड़ी योजनाएं रखी हैं। हालेलुया। The present situation you are going through, it is not at all a God's plan. जो इस समय आपकी परिस्थिति है वो परमेश्वर का प्लान नहीं है आपके जीवन में। Because several times you are going through sorrows. और बहुत बार हम उस गम में होके चलते हैं। Several times the unwanted disturbance. और बिना बात की बेवजह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। There is no happiness in the life. हमारे जीवनों में कोई खुशी नहीं होती। So there is no peace in the life. और कई बार हमारे जीवन में शांति नहीं होती। All the time some kind of the emptiness inside the heart. हर समय हमारे दिल में एक खास किस्म का खालीपन रहता है। Several times the unwanted loneliness in our mind and heart. और कई बार हमारे दिल दिमाग में एक अजीब सा अकेलापन रहता है। So these all the things are from the devil. और ये सारी ही बातें शैतान की ओर से हैं। So there is no peace, joy, happiness inside the home. और इसलिए घरों के अंदर कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है। So there is no good understanding between husband and wife. और पति पत्नी के बीच में भी बहुत अच्छा तालमेल नहीं। So there is no real happiness. और सच्चाई में देखे तो ये खुशी नहीं है। All the time the anger, the irritation between the people. और हर समय लोगों के बीच में गुस्सा है, एक दूसरे के लिए एक गुस्से की भावना है। So these all the things are not from the Lord. और ये सारी ही बातें परमेश्वर की ओर से नहीं। So you should know the real purpose of your living in this earth. आपको अपना वो वजह पता होनी चाहिए कि आप इस धरती पे क्यों जीवित हैं। वही जीसस केम। और क्यों यीशु आया आपके लिए? Such a great pain and a great kind of the suffering on the cross. और उसने उस दर्द को उस क्रूस पे इस सताव को क्यों सहा था? There is a purpose. उसका एक लक्ष्य था. There is a plan. और उसका एक प्लान है. John 10:10 Bible says. यूहन्ना 10:10 कहता है. I came into the world to give you the life with abundance. मैं इस जगत में आया ताकि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दे सकूं. Life with abundance. वो ऐसा जीवन जो बहुतायत का होगा. Full of joy. वो पूरे ही आनंद से भरा होगा. Full of peace. पूरी ही शांति से भरा होगा. Full of happiness. और पूरी ही खुशियों से भरा होगा. That is the purpose. और यही परमेश्वर का प्लान है. You should know that. आप में से हर किसी को ये पता होना चाहिए. Not even a small second you should not disturb with the worldly burden or sorrows. संसार की इस परेशानियों से और बोझ से एक पल के लिए भी परेशान नहीं होना। That is not God's plan. ये परमेश्वर का प्लान नहीं है आपके लिए। All the time you should rejoice. हर समय आप आनंदित रहें। All the time you should rejoice. हर समय आप आनंदित रहें। All the time the heavenly peace. हर समय वो स्वर्गीय शांति आपके जीवन में काम करे। So several times you are going through the disturbance through the money. और बहुत बार हम परेशानी में होते हैं पैसे की वजह से। That is wrong. और ये गलत है। Because whenever you are filled with the joy of the Lord, और जब कभी आप परमेश्वर की ओर आनंद से भरे होते हैं, great peace, joy, happiness will fill you. वो बहुतायत का आनंद और शांति आपको भरे रखती है. And you will enjoy the God's great, the heavenly blessings inside your heart. और हर समय आप परमेश्वर की उस महान बातों को अपने दिल में बनाए रखते हैं। The heavenly peace. वो स्वर्गीय शांति। Inside your heart, if there is a heavenly peace. अगर आपके दिलों के अंदर वो स्वर्ग की शांति है। The worldly problem will not overcome you. ये संसार की बातें आपको घेर नहीं सकेंगी। Inside your mind and heart, you will never have a thought for money. और आपके दिल दिमाग में कभी भी पैसे की वो परेशानी की बात नहीं आएगी। So you should know the real. आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए। Because we are all the time going the outside of
the God's plan. और क्योंकि हम ही परमेश्वर की उस योजना से बाहर चले जाते हैं. That's why problem. और इसीलिए परेशानी आती है. Our mind is all the time how I can become a rich, how I can have the enough money. और हर समय हमारा दिल दिमाग ये सोचता रहता है कैसे मैं अमीर हो जाऊं, कैसे मैं और पैसे को कमाऊं. That is the plan of the devil. और ये शैतान के काम है. You will never satisfied with money. वो आपको कभी तसल्ली नहीं होने देगा पैसे से. You can satisfied with Jesus. सिर्फ आपको यीशु मसीह ही वो तसल्ली देगा. हालेलुया. So that is the real. और ये सच है. How many of you are hearing this word of God today? आज में से जो लोग ये वचन को सुन रहे हैं. Make a change in your life. अपने जीवन में उस बदलाव को लाएं. Make change in your heart. अपने दिल में उस बदलाव को लाएं. Take a strong decision. आज ये निश्चय कर लें. Lord, I will not go before this world anymore. परमेश्वर मैं इस संसार के पीछे और ना जाऊंगा. I will only follow you. मैं सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा. You are the full of life. क्योंकि तू ही पूरे उस जीवन से भरा हुआ है. Lord, you came into the world to give me the life. परमेश्वर तू संसार में इसलिए आया ताकि मुझे जीवन दे सके. I will only keep the Lord inside my heart and mind all the time. आप बोले अपने ऊपर मैं हर समय परमेश्वर को अपने दिल दिमाग में रखूंगा. The worldly things are going to be go away from my heart and mind now. ये संसार की बातें मेरे दिल दिमाग से चली जाएंगी. All the spirit of disturbance are going to be leave now. जो भी डिस्टर्बिंग की स्पिरिट है इस समय आपको चंगाई दे रहा है परमेश्वर उससे. All the unwanted worldly lust, the worldly lust of money, lust of the flesh, that is going to be leave now. वो व्यभिचार की आत्मा जो पैसे की और शरीर की आप पे अटैक करती है वो आपको छोड़ के जा रही है. I will concentrate more on Jesus. मैं परमेश्वर की और यीशु की ओर ध्यान दूंगा. I will look upon Jesus. बोले अपने मुंह से मैं यीशु की ओर देखूंगा. He is enough for me. वो मेरे लिए बहुत है. Jesus is enough for me. यीशु मेरे लिए बहुत है. Jesus is enough for me. यीशु आप में से हर किसी के लिए बहुत है. I am going to love him more. मैं उसको और प्यार करूंगा. I am going to trust him more. और बोले मैं उस पे और विश्वास करूंगा. If you are having such a decision. अगर ऐसी बातें आप बोलते हैं और ऐसे निश्चय लेते हैं. The worldly blessings will automatically come into your life. ये संसार की आशीष अपने आप आपके जीवनों में आ जाएंगी. Jesus never told you have to earn money. यीशु ने कभी नहीं बोला कि आप जाओ और पैसा कमाओ. Jesus told you seek me more. यीशु ने कहा कि मेरी और ज्यादा देखो. You seek me more. मुझे देखो यीशु ने कहा. Jesus is the king of kings. यीशु ही राजाओं का राजा है. Jesus is having the kingdom. बोले यीशु के पास ही वो राज्य है. So if you are seeking God's kingdom, अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, and his righteousness, और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, all these worldly things will be automatically come into your life. ये सारी ही भलाई की चीजें आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी. हालेलुया. Jesus created you. यीशु ने आपको बनाया है. The creator know very well what should be given to you. वो आपका बनाने वाला ये जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है. Jesus knows, the creator know what is your need. यीशु जानता है, वो आपका बनाने वाला जानता है आपको किस चीज की जरूरत है. Before you open your mouth. इससे पहले कि आप अपना मुंह खोले. Before you ask. और इससे पहले कि आप उससे बोले. Jesus knows your thought. वो जानता है कि आपके दिल दिमाग में क्या है. Jesus knows what is the thing you, what is the word you are going to speak. उसे ये भी पता है क्या शब्दों से आप मांगने वाले हैं. Your heart is created by God. आपका जो ये दिल है ये यीशु ने ही बनाया है. In this heart only the God want to live. इस दिल के अंदर सिर्फ परमेश्वर ही रहना चाहता है. This heart is created to dwell Jesus. और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे यीशु रहे. That's why the Bible very clearly says. और इसीलिए बाइबल साफ साफ कहती है. Our body is the temple of the Holy Spirit. जो हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का घर है. Our body is the temple of the Holy Spirit. जो ये वचन है परमेश्वर का और ये शरीर परमेश्वर का घर है. All the time in your body, your mind, your heart, the Holy Spirit want to live. हर समय आपके दिल दिमाग के अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहता है. हालेलुया. If the Holy Spirit is not there. अगर पवित्र आत्मा वहाँ पे नहीं है. Today you have to ask the Lord. आज आप परमेश्वर से अपना मुंह खोल के मांगे. All the time you should keep the Lord before your eyes. हर समय परमेश्वर को ही अपने चेहरे के सामने रखें. All the time before your eyes Jesus. हर समय आपकी आंखों के सामने यीशु का ही चेहरा होना चाहिए. Galatians chapter 3:1 says. गलातियों उसका 3:1 कहता है. All the time before our eyes the Jesus the crucified savior should be there. हर समय हमारी आंखों के सामने वो जो क्रूस पे कुर्बान हुआ होना चाहिए. कैन यू चेंज योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन को बदल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू
keep Jesus all the time before your eyes. यीशु को जब आप अपने सामने हर समय रखेंगे तब. In your life. आपके जीवन में. The kingdom blessings will be there all the time. वो स्वर्गीय आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी. Hallelujah. The kingdom blessing is there. वो स्वर्गीय आशीषें आपके लिए हैं. The kingdom blessing is already inside you. वो आपके जीवनों में काम कर रही हैं. So Luke 17:21 Bible says. और इसलिए लूका 17 उसका 21 कहता है. The kingdom of heaven is already in you. परमेश्वर का राज्य आप ही के अंदर में है. The kingdom of God is already inside you. जो परमेश्वर का राज्य है वो आपके अंदर में है. Jesus already blessed you. यीशु ने आपको आशीषित किया है. Before the foundation of the world everything is prepared for you. इस संसार की नींव रखी जाने से पहले आप में से हर किसी के लिए सारी बातें परमेश्वर ने तैयार कर दी हैं. He knows everything well for you. उसको सारी बातें पता है और उसने प्लान करा है. Change your mind. अपनी सोच को बदल ले बस. Change your heart. अपने दिल को बदल ले बस. Love Jesus more. यीशु को और प्यार करें. Keep Jesus inside your heart all the time. यीशु को हर समय अपने दिल दिमाग के अंदर रखें. All the time praise the Lord. हर समय परमेश्वर की महिमा करें. All the time give thanks to the Lord. हर समय परमेश्वर का ही धन्यवाद करें. All the time speak in the heavenly language. हर समय अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें. Inside your heart and mind. हर समय अपने दिल दिमाग के अंदर. All the time speak in the heavenly tongue. हर समय परमेश्वर की उस भाषा में बात करें. You will enjoy the heavenly blessings every time. और हर समय आप स्वर्गीय आशीषों का आनंद मनाते रहेंगे. You will never lack anything. आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी. Your mind will not be disturbed. आपका दिमाग कभी परेशान नहीं होगा. Several times we are not able to control our mind. और बहुत बार हम अपनी सोच पे काबू नहीं रख पाते. The mind is the thought is going unwantedly negatively very many times the worldly lust desire. और हर बार हमारा दिमाग ऐसी सोच विचार में चला जाता है. विचार की बातों को सोचने लगता है. This is a wrong before God. ये परमेश्वर के आगे ये गलत है. So today change your mind. आज बोले परमेश्वर मेरी सोच को बदल दे. Lord I want to think like you. परमेश्वर मैं तेरे ही जैसा सोचना चाहता हूँ. I need the mind of Christ all the time. बोले अपना मुंह खोल के कि हाँ परमेश्वर मुझे यीशु मसीह जैसा ही दिमाग दे. Lord I need the mind of Christ. मुझे परमेश्वर यीशु जैसा दिमाग दे. Lord I want to love you more. परमेश्वर मैं तुझे और प्यार करना चाहता हूँ. If you are loving Jesus. अगर आप यीशु को प्यार करते हैं. The Holy Spirit will increase in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगा. The worldly problem will not overcome you. संसार की परेशानियां आपके ऊपर घेरा ना डाल सके. Worldly sickness can't touch you. तो संसार की बीमारियां हैं आपको छू ना सकेंगी. You will know the one who is in me is greater than this world. आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरे अंदर है वो संसार में है उससे ज्यादा ताकतवर है. हालेलुया. 1 John 4:4 says. पहला जॉन उसका 4:4. The one who is in you is greater than this world. जो आपके अंदर है वो इस संसार में जो है उससे ज्यादा ताकतवर है. So you should say only one thing all the time. हर समय आपको इसी बात को कहना है. Let Jesus increase in my life. होने दे यीशु मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए. All the worldly sorrows, worldly things, the negativity should decrease. संसार की बातें और हर नेगेटिविटी मेरे जीवन में घटती चली जाए. All the unwanted negative thoughts, negative thinking. All the time the negative things that should be disappear. हर बार जो निराशा की बातें हैं जो मुझे नीचे ढकलती हैं मेरे जीवन से सदा के लिए चली जाए. हालेलुया. All the time I should be positive. बोले हर समय मुझे निराशावादी नहीं आशावादी रहना है. Let Jesus increase in my life. जब ऐसा बोलेंगे आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बोले यीशु मेरे जीवन में बढ़े. Let Jesus increase. ये होने दे यीशु बढ़े. I should decrease. और मैं घटता चला जाऊं. Jesus should increase. यीशु बढ़ता जाए. My mind should be full of Jesus. मेरा दिमाग मेरी सोच यीशु से भरी हो. The worldly worries will not touch my mind. संसार की बातें मेरे दिमाग को सोच को ना छू सकेंगी. All the time I will filled with the love of Jesus. हर समय मैं यीशु के प्यार से ही भरा रहूंगा. All the time I will be rejoice in the Lord. हर समय मैं परमेश्वर में ही आनंदित रहूंगा. All the time I will enjoy the Holy Spirit. बोले हर समय मैं पवित्र आत्मा में आनंदित रहूंगा. My home is a heavenly blessed home. मेरा घर परमेश्वर की ओर से आशीषित घर है. My home is a heavenly kingdom blessed home. मेरा घर परमेश्वर की ओर से उसके राज्य की ओर से आशीषित किया गया घर है. My house is a house of prayer. मेरा घर प्रार्थना का घर है. All the time we will pray inside our home. हर समय आप अपने घरों में प्रार्थना करें. Hereafter no more fight inside our home. और आज
से आपके घरों में कोई लड़ाई ना होगी. Hereafter we will not get angry anymore. और आप बोले परमेश्वर से आज से हम एक दूसरे पे गुस्से नहीं होंगे. We will not fight with anyone more. हम एक दूसरे से लड़ाई भी ना करेंगे. We are the new creation. क्योंकि परमेश्वर की आंखों में आप एक नई सृष्टि बन गए हैं. हालेलुया. The old things are passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं. Everything is new. सब कुछ नया कर दिया है परमेश्वर ने. सब कुछ नया कर दिया है. All the old things are gone. पुरानी बातें बीत गई हैं. I am a new creation. बोले मैं नई सृष्टि हो गया हूँ. I am a new creation. बोले मैं न्यू सृष्टि हो गया हूँ. All things are gone. मेरे जीवन से पुरानी बातें चली गई हैं. All the sicknesses are gone. हर बीमारियां चली गई हैं. All the weaknesses are gone. हर कमजोरियां चली गई हैं. The evil spirit can't touch me. जो दुष्टात्माएं हैं मुझे नहीं छू सकती हैं. Our home is a blessed home. मेरा घर आशीषित घर ठहराया गया है. All of us we are filled with the Holy Spirit. हर समय हम पवित्र आत्मा से भरे हों. My husband filled with the Holy Spirit. मेरा पति पवित्र आत्मा से भरा हो. Wife filled with the Holy Spirit. जो पत्नियां हैं वो पवित्र आत्मा से भरी हों. Children filled with the Holy Spirit. बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएं. All the time we will read the Bible. हर समय आप बाइबल पढ़ें. All the time we will pray. हर समय हम प्रार्थना करें. Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है. Jesus is with me. यीशु आप में से हर किसी के साथ है. The God who created the entire world is with me. बोले जो परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है. All the time I will live with the faith of God. हर समय मैं परमेश्वर की उस विश्वास में जीवित रहूंगा. I will have the faith of God. मैं परमेश्वर के विश्वास में बना रहूंगा. The God who did the mighty miracle, he is with me. वो परमेश्वर जिसने बहुत सारे चमत्कारों को किया है वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है. I will live like Jesus. बोले मैं यीशु की तरह ही जीऊंगा. I will live like Jesus. मैं यीशु की तरह जीऊंगा. I will live like Jesus. मैं यीशु की तरह जीऊंगा. Thank you Lord for the blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए. 2 Corinthians 5:17 Bible says. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 Bible कहती है. If anyone is in Christ Jesus. अगर कोई भी यीशु में है. They are new creation. वो नई सृष्टि हो गए हैं. All the old things are gone. पुरानी बातें बीत गई हैं. Everything is new. सब कुछ नया हो गया है. So today you have to say. और आज आपको ये बोलना है. I am no more a sinner. बोले अपने ऊपर मैं पापी नहीं हूँ. I am no more a sinner. मैं पापी नहीं. I am a righteousness of God. मैं परमेश्वर की उस धार्मिकता में बना हूँ. I am a righteous person. मैं एक धार्मिक इंसान हूँ. Jesus made me righteous. यीशु ने मुझे धार्मिक बना दिया है. The worldly sickness can't touch me. संसार की बीमारियां मुझे ना छू सकेंगी. The worldly disturbance can't enter my mind. बोले संसार की बातें मेरे दिमाग में नहीं आ सकेंगी. I am a new creation. मैं नई सृष्टि हो गया हूँ. My home is a new home. मेरा घर नया घर हो गया है. My home is a heavenly blessed home. मेरा घर स्वर्गीय यीशु से भरा हुआ है. Jesus is in our home. यीशु मेरे घर में है. Jesus is in our home. Jesus is in our home. No evil spirit can't touch us. कोई भी दुष्टात्मा हमें नहीं छू सकती. No witchcraft power can't touch us. कोई जादू टोने की शक्ति आप में से किसी को नहीं छू सकती. Jesus is greater. यीशु बड़ा है. The king of kings is with me. राजाओं का राजा मेरे साथ है. All the medical reports are wrong. जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो बदल गई है. The report of Jesus is correct. यीशु की ही रिपोर्ट मेरे जीवन में सच्ची है. The report of Jesus is correct. यीशु की रिपोर्ट मेरे जीवन में What सच्ची the है. Bible says. और बाइबल कहती है. First Peter 2:24. We are healed. और हम चंगाई पाए. We are healed. और हमने चंगाई पाई. You are healed. और आपने चंगाई पाई. That is the only report of Jesus. The only report of Jesus Christ is you are healed. और यही परमेश्वर की यीशु की आपके लिए रिपोर्ट है कि आप में से हर किसी ने चंगाई पाई है. Are you ready to believe? क्या इस बात पे आप विश्वास करने को तैयार हैं? If you believe like a child, अगर आप बच्चे के मानी विश्वास करेंगे, you no need to go to hospital anymore. और आपको परेशान नहीं होना होगा. You no need to go to hospital anymore. आपको हॉस्पिटल और नहीं जाना होगा. That is not God's plan. You have to go to hospital. परमेश्वर की ये योजना नहीं कि आप अस्पतालों में धक्के खाएं. You have to live by this word of God. आपको परमेश्वर के वचन से जीवित रहना होगा. Man shall not live by bread alone. परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे रोटी से नहीं जीवित रहेंगे. पर जो हर वचन उसके मुंह से निकला, हर वो वचन जो उसके मुंह से निकला. Psalm 107:20.
भजन संहिता 107 उसका 20 आई विल सेंड माय वर्ड एंड ही मैं अपने वचन को भेजूंगा और उन्हें चंगाई दूंगा द लॉर्ड इज रेडी टू सेंड द वर्ड इमीडिएटली फॉर यू और परमेश्वर तैयार है आप में से जो बीमार है उनके लिए वचन को भेजने के लिए आर यू हैविंग ए स्मॉल हेडेक अगर आपको थोड़ा भी सर दर्द है इमीडिएटली द लॉर्ड विल सेंड द वर्ड ऑफ गॉड एकदम ही परमेश्वर आपके लिए वचन भेजेगा यू विल बी ही और आप चंगाई पाएंगे सो द बिलीव With the God's faith is the matter. और ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करें. So you have to believe with the God's faith. आपको परमेश्वर के विश्वास के जैसा ही विश्वास करना है. So how many of you are believed today? और आप में से कितने लोगों ने परमेश्वर जैसा विश्वास किया है? I am no more a sinner. मैं पापी नहीं हूँ. बोले. I am righteous. मैं धार्मिक हूँ. My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का घर है. If the Holy Spirit is dwelling in my body. अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है In the worldly sickness can't touch me. संसार की जो बीमारी है मुझे छू नहीं सकती है The worldly sickness can't touch me. संसार की बीमारी मुझे छू नहीं सकती है The Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है The Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा मेरे अंदर The Holy Spirit is in me. पवित्र आत्मा आप में से हर किसी के अंदर है आपने चंगाई पाई है I am healed. मैंने चंगाई पाई है बोले I am going to believe only the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करूंगा I am going to believe only the good report. बोले अब मैं अपने ऊपर अच्छी रिपोर्टों को ही विश्वास करूंगा Jesus is giving a good report for me. यीशु मेरे लिए अच्छी रिपोर्ट को दे रहा है I am believing this. और मैं बढ़ रहा हूँ We will not take any medicine. हम किसी की बात पे ना विश्वास करेंगे We will not take any medicine. हम किसी की पाप को ना लेंगे We will not take any medicine. हम आज से कोई दवाइयां ना लेंगे So that is the God's plan. और ये परमेश्वर की योजना है If you believe. अगर आप विश्वास करते If you believe. हैं अगर आप विश्वास करते हैं The word of God is active and alive. परमेश्वर का वचन जीवित है और काम करने के लिए तैयार है The word of God is full of power and authority. परमेश्वर का वचन पूरी ही सामर्थ्य और अधिकार से भरा हुआ है So if you believe. अगर आप विश्वास करते हैं You will enjoy your health. और आप अपनी उस सेहत को आनंद में मनाएंगे यू विल एंजॉय जीसस और आप यीशु को आनंद में मनाएंगे एवरी डे यू विल ग्रो विद जीसस हर दिन आप यीशु में बढ़ते चले जाएंगे दैट इज द गॉड्स प्लान ये यीशु की योजना है आपके जीवन में वी आर क्रिएटेड लाइक द गॉड्स ओन इमेज क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है वी आर क्रिएटेड Exactly into the God's own image. हम परमेश्वर के ही स्वरूप में बनाए गए हैं. So the Holy Spirit want to all the time dwell in us. और इसलिए वो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहना चाहता है. You will never lack anything. आपको किसी चीज की घटी ना होगी. I am going to give you few important word of God. और मैं अभी आपको कुछ खास परमेश्वर के वचनों को दूंगा. So you should know some truth. आपको कुछ ऐसी बाइबल की सच्चाइयों का पता होना चाहिए All this word of God written in the Bible, जो भी वचन बाइबल के अंदर लिखा है All these promises of God says, जितने भी वायदे उसने इस बाइबल में करे हैं I will do everything for you. वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा I will help you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा I will heal you. मैं तुम्हें चंगाई दूंगा I already healed you. वो कहता है मैंने तो तुम्हें चंगाई दे दी है I will do everything. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा I am that I am. मैं ही जो हूँ वो जीता हुआ हूँ आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम आइज़क एंड जैकब मैं परमेश्वर अब्राहम याकूब और आइज़क का पिता हूँ आई एम द गॉड ऑफ मोसेस एंड जोशुआ एंड द प्रोफेट्स और मैं ही मूसा और जोशुआ और जितने भविष्यवक्ता हैं सबका परमेश्वर हूँ ऑल दिस वर्ड ऑफ गॉड सेज ये सारा ही वचन क्या कहता है आई द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी विल डू एवरीथिंग फॉर यू और ये कहता है कि मैं वो परम परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा हालेलुया So you should know this. आपको ये पता होना चाहिए We no need to do anything. हमें कुछ नहीं करना है Everything God will do. हर सब कुछ वो ही करेगा हमारे लिए So then we have to be allow God to do everything for us. और जब वो करेगा हमारे लिए तो हमें ऐसा होने देना है कि वो करे हमारे लिए So the Lord will fight for you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ूंगा How many of you are having the court cases? कितने लोगों के इस समय court cases हैं? The Lord will fight for you. परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई को लेने जा रहा है How many of you are going through the problems? कितने लोग परेशानियों में से होके जा रहे हैं How many of you are having the misunderstanding in the family? कितने लोगों के परिवारों में misunderstanding है इस समय The Lord will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा Exodus 14:4. निर्गमन उसका 14:14. So note this word of God very quickly. आप इस वचनों को नोट कर लीजिए Exodus 14:14.
निर्गमन उसका 14:14 द बाइबल सेज वचन कहता है द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा एंड यू शैल होल्ड योर पीस और आपको वो शांति में बनाए रखेगा द बाइबल वेरी क्लियरली सेज साफ साफ लिखा है बाइबल में द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू परमेश्वर आपके लिए लड़ाई लड़ेगा द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू परमेश्वर आप में से हर किसी के लिए लड़ाई लड़ेगा यू हैव टू कन्फेस लाइक दिस आपको ये बोलना है अपने मुंह से द लॉर्ड विल फाइट फॉर मी बोले बोले अपने ऊपर की परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा द लॉर्ड विल फाइट फॉर मी बोले परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा द लॉर्ड विल फाइट फॉर मी बिफोर द चैलेंजेस परमेश्वर मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा उन मुश्किलों का जिसका मैं सामना करता हूँ ऑल द इम्पॉसिबल थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल वो सारी बातें जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होने जा रही है हालेलुया All the my court cases are going to be cancelled. जितने भी court case हैं वो cancel होने जा रहे हैं. All the cases are coming favor of me. जितने भी case हैं वो आप में से हर किसी के favor में बदलने जा रहे हैं. All the evil spirit bringing the problem in my life is going to be run away. जो दुष्ट आत्माएं हैं आपके जीवनों में परेशानियों को लेके आती हैं यीशु के नाम में वो भाग रही हैं. The Lord will fight for me. यीशु मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा. I will hold my peace. मैं अपनी शांति में बना रहूंगा. Don't forget this Exodus 14:14. और इस वचन को ना भूले निर्गमन उसका 14:14. Today onwards, all your impossible challenges, the problem, sickness, the Lord is going to fight for you. और आज से जो भी आपकी ऐसी बातें जो नामुमकिन दिखती हैं, परमेश्वर वो लड़ाई को लेने जा रहा है आपके लिए. हालेलुया. Isaiah 59:19. यशाया उसका 59:19 द बाइबल सेज वचन कहता है द एनिमी कम्स लाइक अ फ्लड जो शैतान है ऐसे बाढ़ के जैसे आ जाता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल लिफ्ट अप द स्टैंडर्ड अगेंस्ट हिम पर परमेश्वर की आत्मा आपको उस मुश्किल के सामने उठा लेगी यस द एनिमीज कम लाइक अ फ्लड इन योर लाइफ शैतान ऐसे बाढ़ के जैसे आ जाता है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल राइज अप द बैनर ऑफ विक्ट्री फॉर यू और एकदम से पवित्र आत्मा आपको उठा लेगी विजय के अंदर हालेलुया द विक्ट्री वो विजय आपके लिए आई बिलोंग्स टू द विक्ट्री बोले अपने ऊपर विजय मेरे लिए है And the enemy may come like a flood. शैतान एक बाढ़ के जैसे हो सकता है आए. But the spirit of the Lord is with me. परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ में है. The spirit of the Lord is raising up the banner for me. बोले परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए उन झंडों को उठा के खड़ी हुई है. The spirit of the Lord is raising a banner of victory for me. बोले परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए उन विजय के झंडों को उठा के खड़ी है. हालेलुया. And the enemy may come like a flood, like bringing the sickness, problem, one after another. हो सकता है शैतान एक के बाद एक परेशानियों को आपके जीवन में लेके आए जैसे बाढ़ आ जाती है All the time you should know that the spirit of the Lord is the spirit of the living God is in you हर समय आपको ये पता होना चाहिए जीवित परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है Psalm 91:10 भजन संहिता 91 उसका 10 This is the sickness can't touch your doorpost. वचन कहता है कि बीमारी मेरे घर की चौखट को ना छू सकेगी. The real translation says. जो उसका एक translation है English का. The sickness can't touch your big compound wall. एक English की translation कहती है कि कोई बीमारी मेरे आंगन को भी ना छू सकेगी. The sickness can't touch your compound wall itself. जो आपके आंगन की जो बाहर की दीवार है उसे भी ना छू सकेगी. How it will touch you? और वो आपको भी ना छू सकेगी. How it will enter your home? तो वो आपके घर में कैसे आ सकेगी? Believe. आपको विश्वास करना है. The enemies may come like a flood. शैतान एक बाढ़ के जैसे आ जाएगा. But the spirit of the Lord will raise the banner of victory, the flag of victory for you. पर परमेश्वर की आत्मा उस समय आपके लिए विजय के झंडों को उठा देगी. हालेलुया. So you are going to enjoy the victory of the Lord aur aap parmeshwar ki us vijay mein aanandit hone ja rahe hain 2 Corinthians 3:17 dusra Corinthians uska 3:17 the bible says vachan kehta hai the lord is the spirit parmeshwar ek atma hai where there is the spirit of the lord there is liberty deliverance freedom aur jahan pe parmeshwar ki atma hai wahan pe azadi hai wahan pe azadi hai aur chutkara hai log is samay changaiya pa rahe hain jadu tonon se parmeshwar mujhe dikha raha hai you have to climb it now aapko ye baat ko apne upar angikar karna hai the lord is the spirit parmeshwar atma hai the lord is the spirit parmeshwar atma hai where the spirit of the Lord jahan pe parmeshwar ki atma hai there is a liberty deliverance and freedom wahan pe azadi hai chutkara hai aur aapko sada ka chutkara hai so the lord is going to
गिव यू द ग्रेट फ्रीडम इन योर लाइफ। और आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े छुटकारे को देने जा रहा है। यू आर गोइंग टू एंजॉय द गॉड्स फ्रीडम। आज से आप परमेश्वर के उस छुटकारे को लेने जा रहे हैं। सो यू विल हैव द ग्रेट फ्रीडम इनसाइड योर माइंड एंड हार्ट। और इसलिए परमेश्वर का वो आजादी आपके दिल दिमाग में भी होनी चाहिए। यू विल हैव द स्पिरिचुअल फ्रीडम टू। आपको वो आत्मिक आजादी भी होनी चाहिए। द स्पिरिचुअल फ्रीडम मींस यू आर गोइंग टू प्रे मोर टाइम। और वो आत्मिक आजादी क्या होती है कि आप प्रार्थना में और बढ़ते हैं और समय बिताते हैं। यू आर गोइंग टू रीड द बाइबल मोर। और आप वचनों को और पढ़ते हैं। यू आर गोइंग टू रीड द बाइबल मोर। और आज से आप वचनों को और पढ़ने जा रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, तो प्रिय मित्रों, वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक खास बात, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बाइबल, अगर आप वचन को नहीं पढ़ते, योर लाइफ विल नेवर चेंज। आपका जीवन बदलेगा नहीं। टेक अ डिसीजन। आपको निश्चय करना है। दिस इज द बुक ऑफ लाइफ। क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। मेनी ऑफ अस वी आर लैक इन द रीडिंग द बाइबल। हम में से बहुत लोग हैं जो इसको पढ़ने में नाकाम हैं। टुडे गिव द टाइम। आज से समय दें। दिस वर्ड ऑफ गॉड शुड बी कम फ्रॉम दिस बाइबल, गो टू योर माइंड एंड हार्ट। It used to store inside your heart. और जो ये वचन जो बाइबल से निकलता है आपके दिमाग में जाना चाहिए और आपके दिल में ये रह जाना चाहिए। So by reading this word of God continuously, जब वचन को आप लगातार पढ़ते हैं, without seeing this Bible, बिना बाइबल देखे ही, you should have the word of God inside your heart. हर समय परमेश्वर का वचन आपके दिल में बना रहता है। So this is a one glorious experience. और ये बहुत ही एक आनंदित अनुभव होता है। We are remembering the worldly things in our mind very nicely. हम संसार की बातों को बहुत आसानी से अपने दिमाग में याद रखते हैं। We know where the good dresses will available in which store. हम में से सबको पता होता है कौन से अच्छे स्टोर्स में अच्छे कपड़े मिलते हैं। More than that, उससे भी ज्यादा, you should know this word of God. हमें इस वचन का बारे में पता होना चाहिए। It should be inside your heart all the time. ये आपके दिल दिमाग में हर समय होना चाहिए। So whenever you are having a good time now, the younger days, the youth time, if you are reading this word of God more, जो इस समय जवान लोग हैं और आपका अच्छा समय है और आप बाइबल और पढ़ते हैं, So now this is a time you can read the Bible. तो ये वो समय है कि आप और बाइबल पढ़ें। Store it inside your heart. अपने दिल में उसे बिठा ले, रख ले। Then the evil spirit will not touch you. फिर वो दुष्ट की आत्मा कभी आपको छू ना सकेगी। Why the evil spirit is coming? क्यों वो दुष्ट आत्माएं आती हैं? The heart is empty. क्योंकि हमारा दिल खाली होता no है। No word of God. परमेश्वर का वचन नहीं होता। Dear friends, we should be very careful. प्रिय मित्रों, हमें बहुत ध्यान रखना है। Take it as a God's word. उस वचन को परमेश्वर का वचन मान के। More than your food. अपने खाने से भी ज़्यादा। Read this. इसको पढ़ें। Read this. इसको और पढ़ें। Always read this. हर समय इसे पढ़ें। This is a book of life. क्योंकि ये जीवन की पुस्तक है। Without this word of God, you can't survive. इस जीवन की पुस्तक के बिना आप जीवित नहीं रह सकेंगे। You should keep this word of God inside you all the time. आपको ये परमेश्वर का वचन हर समय आपके अंदर होना चाहिए। ज़करिया 4:6-7। ज़करिया उसका 4, उसका 6 और 7। Here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता है, ज़करिया 4:6-7। ज़करिया 4:6-7। This is the word of the Lord to Zerubbabel. और ये परमेश्वर का वचन ज़रुब्बाबेल के पास आया। So you have to put your name. और इस ज़रुब्बाबेल की जगह आप अपने अपना नाम यहाँ पे लगा ले। This is the word for me. बोले ये मेरे लिए वचन दिया है। Not by might. मेरी सामर्थ्य से नहीं। Nor by power. ना ही मेरी ताकत से। But by my spirit says the Lord. पर मेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर कहता Not है। Not by my own might. ना ही मेरी अपनी उस ताकत से। Not by my own power. ना ही मेरे अपनी उस सामर्थ से। But by only the Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा के ही द्वारा। But by only the Spirit of God. सिर्फ परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा के ही द्वारा। Verse 7, again verse 7 says. और ज़करिया 4:7 कहता है। Who are you? तू कौन है? Oh great mountain. ये बड़ी बड़ी चट्टानें। You have to put all your problems in the place of the mountain. आपको अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उन पहाड़ों पे छोड़ दो। Who are you? बोले उनसे कि तू कौन है तू बीमारी? Sickness, problem, challenges, वो great mountain। जो भी मुश्किल परेशानियां हैं आपके जीवन में, जो पहाड़ बन के खड़ी हैं, पुकारे उन्हें ऐसे। I am going to speak to this mountain। बोले मैं इस बीमारी से बोलने जा रहा हूँ। According to Mark chapter 11 verse 23। मार्क उसका 23 उसका 11:23। मार्कुस उसका 11 उसका 23। मार्क 11:23। मरकुस 11 उसका 23। I am going to speak to this mountain। परमेश्वर कहता है कि तुम इस चट्टान से बोलोगे।
आई एम गोइंग टू स्पीक टू दिस माउंटेन और तुम उस चट्टान से बोलोगे वो ग्रेट माउंटेन वो बड़ी चट्टान सो यू हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस प्लेस इस जगह से हट जा एंड गो टू द डेप्थ ऑफ द सी और उस समुंदर के नीचे चली जा इफ यू बिलीव अगर आप विश्वास करते हैं इट विल बी डन अगर ये हो जाएगा यू कैन स्पीक टू द माउंटेन नाउ आप उन पहाड़ों से उन चैलेंजेस से जो आपके सामने खड़े हैं बोले इस बात को सो नाउ यू कैन कम बैक टू जकरिया 4:7 आई हम वापस वचन में चलते हैं जकरिया उसका 4:7 सो ऑल द माउंटेन्स यू कैन नेम जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन में उसके नाम ले लें वो ग्रेट माउंटेन वो बड़े पहाड़ों बिफोर मी मेरे सामने द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इन मी क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है यू शैल बिकम अ प्लेन और अब तू समतल होने जा रही है हालेलुया द बिग माउंटेन इज गोइंग टू बी द प्लेन जो ये बड़ी चट्टानें आपके सामने पहाड़ जैसी खड़ी है अब वो समतल सड़क बनने जा रही है हालेलुया And I am having the chief cornerstone with me. और परमेश्वर का वचन कहता है और मेरे साथ वो cornerstone, वो capstone है. So grace to it. और इसके लिए अनुग्रह और अनुग्रह किया गया है. His grace is sufficient for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है. His grace is sufficient for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है. All the mountain-like problems are come to a play. जितनी भी आपके जीवन में पहाड़ जैसी मुश्किल परेशानियां हैं, वो एक समतल जमीन, एक धरती, एक सड़क होने जा रही है. हालेलुया. So no more problem. आपके जीवन में आज से कोई परेशानी ना होगी नो मोर माउंटेन कोई भी पहाड़ ना खड़े होंगे ऑल द माउंटेन्स आर गॉन सारे पहाड़ चले गए हैं यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ विद जीसस और आप अपने जीवन का आनंद मनाने जा रहे हैं यीशु के साथ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ विद जीसस बोले मैं यीशु के साथ अपने जीवन को आनंद से मनाऊंगा ड्यूटरोनमी 28:7 व्यवस्था विवरण 28 उसका साथ ड्यूटरोनमी 28:7 व्यवस्था विवरण 28:7 हियर द बाइबल सेज और यहां पे वचन कहता है द लॉर्ड विल कर्स योर एनिमीज हु राइज अगेंस्ट यू टू बी डिफीटेड बिफोर योर फेस दे शैल कम आउट अगेंस्ट यू वन वे एंड दे विल फ्ली अवे फ्रॉम यू इन 7 वेज और परमेश्वर ऐसा होने देगा कि वो दुश्मन जो आपके सामने आ जाएगा आप उसके चेहरे को देखेंगे और वो आता तो एक दिशा से दिखेगा आपको और भागता हुआ 7 दिशाओं में दिखेगा हालेलुया वन वे दे विल कम अगेंस्ट यू कोई भी आपके सामने ना आ पाएगा वन वे दे विल कम अगेंस्ट यू वो एक ही रास्ते से आपके सामने आएंगे 7 वेज दे विल फ्ली अवे और 7 रास्तों से आप उन्हें भागते हुए देखने जा रहे हैं ऑल द एनिमीज विल फ्ली अवे सारी परेशानियां दुष्ट आत्माएं जा रही हैं ऑल द सिकनेस विल फ्ली अवे सारी बीमारियां जा रही हैं ऑल द इविल स्पिरिट फ्ली अवे सारी दुष्ट आत्माएं जा रही हैं 7 वेज दे विल गो 7 दिशाओं में आप उसे भागता हुआ देख रहे हैं Isaiah 41:12 यशाया उसका 41 उसका 1 Isaiah 41:12 यशाया उसका 41 उसका 1 Here the Bible says और यहां पे वचन कहता है You will search for your enemies तुम अपने दुश्मनों को ढूंढोगे But you will not find them पर तुम्हें ढूंढ नहीं सकोगे Those who likes to war against you वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं So they will no longer exist वो अब उनका वजूद मिटने जा रहा है They are not there वो नहीं होंगे वहां पे You can search your enemies आप उनको ढूंढोगे You can search your sickness आप अपनी उस बीमारी को ढूंढोगे The next medical report अगली उस मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढोगे Nothing no more sickness कोई बीमारी नहीं होगी No more cancer कोई भी कैंसर नहीं होगा नो मोर एनी सिकनेस किसी भी तरीके की बीमारी ना होगी यू कैन सर्च फॉर द सेकंड ओपिनियन आप दूसरी सलाह भी लेने जाओगे सो द एनिमीज आर नॉट देयर कोई भी शैतान नहीं होगा वहां योर एनिमी यू विल नॉट फाइंड देम आपके दुश्मनों को आप वहां नहीं पाओगे यू विल नॉट फाइंड एनी सिकनेस आप किसी बीमारी को ना पाओगे जीसस इज इन यू क्योंकि यीशु आपके अंदर है सो दे आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट इसलिए वो उनका आपके साथ कोई वजूद नहीं है सो सच ए मोबाइल If you call somebody, it says the number is not in service. कई बार आप मोबाइल में फोन करते हैं और वो बोलता है ये नंबर अब उपस्थिति नहीं है. No longer service. अब वो उसकी उसका काम खत्म हो गया. The same way. उसी तरह से. The problem. जो परेशानी. Sickness. जो बीमारी. Whatever it may be. जो कुछ भी आपके जीवन में हो. No longer with me. अब उसका कोई वजूद नहीं है. Hallelujah. No longer with me. अब वो नहीं है आपके साथ में. I am living with Jesus. आप यीशु के साथ जीते Jesus is living in me. यीशु मेरे अंदर
जीता है। Jesus is living in me। यीशु मेरे अंदर जीता है। No more sickness। अब कोई बीमारी नहीं। No more problem। कोई भी परेशानी नहीं। I am having only Jesus। यीशु ही मेरे साथ है। I am having only Jesus। यीशु ही मेरे साथ है। Numbers 23। गिनती उसका 23। 22-23। उसका 22 और 23। Here the Bible says। और यहाँ पे वचन कहता है। The Lord God brought His people from Egypt. The strength of God is with them. They are like the wild ox. No satanic power or plan against Jacob, the God's people, nor divination against the Israel can ever prevail. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को उस मिस्र से निकाल के लाया और ना ही कोई जादू टोना और ना ही कोई टोटका याकूब के घराने पे काम करेगा। You have to believe this word. आपको इस वचन पे विश्वास करना है। The God is my strength. परमेश्वर मेरी सामर्थ है। No satanic power can touch me. शैतान की कोई भी ताकत मुझे छू ना सकेगी। My home is protected by the blood of Jesus. मेरा घर यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षित है। No more problem. कोई परेशानी नहीं। We are enjoying the peace. हम उस शांति को मना रहे हैं। Jeremiah 1:19. जो दुश्मन है आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, but they will not overcome you. पर वो आप पे जीत ना पा सकेंगे। I am with you to rescue you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें बचाने के लिए। Declares the Lord. परमेश्वर इस बात को आप पे घोषित करता है। You should believe this promise. आपको इस परमेश्वर के वादे को याद रखना है। They will fight against me. शैतान आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। The Bible says. वचन कहता है। In this world we will have the tribulation. इस संसार के अंदर हमें मुश्किल In this world the problem will be there. इस संसार में परेशानी होगी। But the problem can't overcome you. पर वो परेशानी आपके ऊपर विजय ना पा सकेगी। You have to say the problem can't overcome me. आपको बोलना है अपने ऊपर वो परेशानी मेरे ऊपर जीत नहीं पा सकेगी। The Lord is with me. क्योंकि यीशु मेरे साथ है। To protect me. उसने मुझे बचाया है। To rescue me. उसने मुझे सुरक्षित रखा है। Jesus is with me. यीशु मेरे साथ है। So you have to climb the God's promise like this. इस तरह से परमेश्वर के वादों को अपने ऊपर अंगीकार करना है। Finally, the Bible says Isaiah 54:17. आखिरकार यशाया 54 उसका 17 कहता है। Isaiah 54:17. यशाया 54 उसका 17. Here the Bible says. और वचन कहता है। No weapon formed against you shall prosper. कोई भी हथियार जो हानि का है आपके खिलाफ बढ़ने ना पाएगा। Never prosper. वो बढ़ने ना पाएगा। And every tongue which is raised against you in judgment, you shall condemn them. और हर वो जुबान जो आपके खिलाफ उठ खड़ी हुई है न्याय के दिन परमेश्वर उसे नीचा गिराएगा। This is the heritage of the servants of the law. और ये परमेश्वर के बच्चों का ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। And their righteousness from me. और उसकी धार्मिकता उसने आपको दी है। Says the Lord. परमेश्वर ये कहता है। You have to climb this word. आपको ये वचन को अपने ऊपर बोलना है। No weapon formed against me and my family will never prosper. कोई भी हानि का हथियार मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ बढ़ने ना पाएगा यीशु के नाम में। I am blessed. मैं आशीषित हूँ। I am protected. मैं बचाया गया हूँ। No evil tongue rises against me in judgment. I will stop there. Tongue, I will stop their mouth. कोई भी दुष्ट की जुबान मेरे खिलाफ जो बातें करती है जजमेंट के दिन न्याय के दिन मैं उसे रोक दूंगा परमेश्वर कहता है। No one can come against you. कोई भी आपके खिलाफ ना उठ खड़ा होगा। The God will be with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। The God of Moses will be with you. मूसा का परमेश्वर आपके साथ है। No one can come against you. कोई भी आपके खिलाफ ना आ सकेगा। I will be with you the same way I was with Moses. परमेश्वर कहता है जशुआ से जैसे मैं मूसा के साथ था ऐसा ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। I will never leave you nor forsake you. मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। So how many of you are going to believe this word of God today? आठ में से कितने लोग इस वचन को आज विश्वास करते हैं? The impossible things are going to be possible in your life. नामुमकिन चीजें आपके
आपके जीवन में मुमकिन होने जा रही है यीशु के नाम में। Everyone, you close your eyes right now. हर कोई अपनी आंखों को बंद कर ले। Now this is the time of the Holy Spirit in your life. और ये वो समय है जो पवित्र आत्मा का समय है। Allow the Holy Spirit to fill your heart and mind now. होने दे पवित्र आत्मा इस समय आपके दिल दिमाग को भर दे। Allow the Holy Spirit to fill you. होने दे पवित्र आत्मा आपको भर दे। Today is the day of the Holy Spirit. और आज वो दिन है पवित्र आत्मा का दिन। Today is the day of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का दिन है। How many of you want to be filled with the Holy Spirit now? जो लोग इस समय पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं। Your heart is the temple of the Holy Spirit. आपका दिल पवित्र आत्मा का घर है। Open your heart to the Holy Spirit now. खोल दे अपने दिल को पवित्र आत्मा के लिए। If you are already filled with the Holy Spirit, start to speak the heavenly language now. जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। Speak the heavenly language now. अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। You can talk to your heavenly Father now through the heavenly language. अपने स्वर्गीय पिता से उन स्वर्गीय भाषाओं में बात करके बातचीत करें इस समय में। The Lord want to give you the new language. और आज परमेश्वर कई लोगों को नया उस लैंग्वेज को उस भाषा को देना चाह रहा है। वो नई भाषा को देना चाह रहा है। Different language. वो अलग भाषा होगी। This is the heavenly language. और वो स्वर्गीय भाषा होगी। You can speak more now. और आज जितना बोलेंगे अन्य भाषा में परमेश्वर आपको और भरने जा रहा है। Yes, how much more you are praying in tongues. जितना आप पवित्र आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। The power of God is going to be come upon you now. परमेश्वर की वो सामर्थ्य आपके ऊपर उतर रही है। The deliverance is happening now. छुटकारा हो रहा है। The spiritual breakthroughs are coming. जो आत्मिक छुटकारे हैं वो आ रहे हैं। Many of you are going to be grow in your spiritual life. बहुत सारे लोग आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं। Many of you are going to receive the more guidance of the Holy Spirit. और बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा की अगुवाई और मिलने जा रही है। All of you are going to read the Bible more. और में से सभी लोग वचनों को और पढ़े। All of you are going to pray more time. और भी ज्यादा अपना समय प्रार्थना में बिताएं। All of you are going to have the morning, early morning prayer time. आप में से हर कोई सुबह भोर की प्रार्थना में जाए। Many of you are going to be rise up by the 3 o'clock, 4 o'clock in the morning and start to pray. और बहुत से लोगों को परमेश्वर 3 बजे, 4 बजे उठा देगा प्रार्थना के लिए। Early morning itself, God want to fill you and bless you. उतनी ही भोर में परमेश्वर चाहता है कि वो आपको भर दे और आशीषित करे। If you are getting up early morning, 3 o'clock and pray for 1 hour, rest of the 23 hours, the Holy Spirit will fight for you. आमीन। अगर आप 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, तो बाकी के 23 घंटे पवित्र आत्मा आपके लिए वो लड़ाई को लड़ने जा रहा है। So that is the God's plan. ये परमेश्वर की योजना है। Rise up early in the morning. जल्दी ही सुबह उठना है। You can meet the resurrected Savior early in the morning only. और वो जीवित परमेश्वर जो जी उठा है, उसे ही भोर के समय मिले। Early morning, rise up and pray. जल्दी सुबह उठ के प्रार्थना में जाएं। The Lord will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा। Many of you are going to hear the voice of God. आप में से बहुत से लोग परमेश्वर की उस आवाज को सुनने जा रहे हैं। Whenever you read the Bible, God will speak to you through the Word of God. जब आप वचनों को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे बात करने जा रहा है। You will receive the revelation whenever you read the Word of God and meditate the Word of God. और आपको वो प्रकाशन देगा जब आप वचनों को पढ़ेंगे और उस पे मनन करेंगे। Through that the spiritual blessing will bring all the worldly blessings in your life. और इस तरह आत्मा की आशीषें आपके जीवन में संसारिक आशीषों को भी लाने जा रही है। You will never lack anything in your life. आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Thank you Lord for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।